हेलो फ्रेंड्स, तो शिवरात्रि आ रहा है तो इसलिए हम एक शिवलिंग बनाएंगे मिट्टी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित मंगल आर्ट एंड स्कल्प्ट। तो एकदम पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो हमको बनाना पड़ेगा एक पेडिस्टल। तो पेडिस्टल जो होता है वो एक सरफेस जिसके ऊपर मेन चीज़ या आप जो भी बनाना चाहते हैं वो बैठेगा, ठीक है, एक सरफेस। तो हम शिवलिंग बना रहे हैं तो पेडिस्टल को भी थोड़ा सा सुंदर बनाना ज़रूरी है। तो इसके ऊपर मैं और एक ऐसे लेयर दे रहा हूँ और जो सेकंड लेयर मैंने दिया उसको एकदम अच्छे से ऐसे उसके साथ अटैचमेंट कर, ठीक है, दिखते जाइए। अब हम एक जो रोल बनाएंगे कॉइल टाइप का, मोटा सा कॉइल टाइप का, ठीक है, जो लिंग है शिवलिंग है वो बनाएंगे। ठीक है, ऐसे आप बनाएंगे। तो हम पहले एक मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है, हल्का से मेजरमेंट कर लेते हैं। तो अब जो है हम ये पानी थोड़ा सा लगा के शिवलिंग में थोड़ा बैठा लेंगे। एंड ऑपोजिट साइड में, ठीक है, आपको एक अंदाज़ा कर लेना पड़ेगा कि किस तरफ आप सीधा रखेंगे फेस को, मतलब किस तरह शिवलिंग का फेस होगा, किस तरफ पीछे के पार्ट होगा। तो पीछे के पार्ट की तरफ एक सपोर्ट देना ज़रूरी है और नीचे से, ठीक, पेडिस्टल के नीचे से हमको ये स्टिक्स, एक स्टिक हमको लगाने देना पड़ेगा तो जो सपोर्ट है वो अच्छा होगा, एकदम पकड़े रखेगा। तो थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये वीडियो मुझे मजबूरन पे बनाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रहा था मेरे चैनल पे, कुछ व्यस्त था। एंड जो भी मैंने एक वीडियो बनाया था वो भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से डिलीट हो गया, मेरे डिवाइस से डिलीट हो गया, मतलब मेरे फ़ोन से डिलीट हो गया। एडिटेड वाला वीडियो भी तो डिलीट हो गया एंड शॉर्ट्स भी डिलीट हो गए। तो वो एक पिक्चर था जिसमें मैं स्केच किया था, क्रेयॉन्स का काम था एंड वाटर कलर वो भी था। तीन चीज़ से मैं एक पिक्चर बना रहा था, उसका मैंने नाम दिया था हरा सुंदरी, ठीक है। तो वीडियो डिलीट हो गया इसलिए मैं अपलोड तो नहीं कर पाया यूट्यूब पे, लेकिन मेरा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे अकाउंट है मेरे नाम पे, रोहित मंगल नाम पे। तो उसमें जाके आप मेरा काम देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मेरा काम एक बार देखिएगा आपको, एंड कैसा लगा काम, एंड ये काम भी कैसा लगा वो देखिएगा एंड कमेंट कीजिएगा एंड फॉलो कर दीजिएगा फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा जो काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अब ये पेडिस्टल, पहले हम राफ काम कर रहे थे, बेस जो बेसिक चीज़ है वो हम कर रहे थे। तो अब हम थोड़ा डिटेलिंग के ऊपर जाएंगे। तो डिटेलिंग ज़्यादा नहीं करेंगे, एकदम सिंपल सा क्लासिक स्टाइल में होगा, लेकिन वो क्लासिक स्टाइल में भी हमको एक सुंदर चीज़ हमको लाना पड़ेगा, तो दिखने में जो है अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पेडिस्टल को हम थोड़ा ज़्यादा देखेंगे, पेडिस्टल में हम थोड़ा ज़्यादा काम करेंगे। तो ऐसे कैंची से मैं जैसे पकड़ रहा हूँ वैसे थोड़ा समझ के देख के आप थोड़ा कीजिए। तो एक बार नीचे से हम कटिंग लगाएं, एक बार ऊपर से हम कटिंग लगाएं एकदम राउंड करके।
तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। बिगिनर्स जो हैं वो थोड़ा कोशिश कीजिए, एक बार में नहीं होगा, कोई बात नहीं है, सेकंड बार इसे भी अच्छा होगा, आपको काम को और इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे थोड़ा आप कर लीजिए, थोड़ा पानी आप थोड़ा थोड़ा पानी आप यूज़ कीजिए, ज़्यादा पानी ना यूज़ करें। और मैं तो अगले मतलब शिवरात्रि के पहले दिन मैं बना रहा था, तो इसलिए मैं मेरी मिट्टी को थोड़ा हार्ड रखा, ज़्यादा उसमें मॉइस्ट नहीं किया, ज़्यादा पानी नहीं दिया मिट्टी में, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा मॉइस्ट होगा तो सूखने में देरी लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर आप पहले दिन बना रहे हैं तो मिट्टी को थोड़ा सख्त रखें, थोड़ा हार्ड रखें, एंड जो काम है जो शिवलिंग है उसको थोड़ा छोटा बनाइए, ठीक है। तो सूखेगा जो है मतलब एक दिन में तो नहीं सूखेगा, दो या तीन दिन पूरा का, क्योंकि ये पूरा का पूरा मिट्टी है, इसमें कोई आर्मेचर नहीं है, स्ट्रॉ से कोई आर्मेचर या स्ट्रक्चर हमने नहीं बनाया, तो इसलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा मिट्टी है तो सूखने में थोड़ा टाइम लगे, एक दो दिन तो टाइम लग ही जाता है। तो काम को जो है थोड़ा छोटा बनाइए तो टाइम थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। मतलब थोड़ा ठंडा ठंडा तो लगेगा, मतलब थोड़ा गीला तो रहेगा, लेकिन पहले से ज़्यादा वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। एक रात उसको सूखने दीजिए, अगले दिन उसको सुबह कलर कीजिए, शाम को पूजा कीजिए, जो करना है। ओके, मैं शिवरात्रि स्पेशल में बना रहा था तो इसलिए मैं अगले दिन बना रहा था, ठीक है। बाय द वे, तो ये जो तो मैं कलर आपको नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा आइडिया करके करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा तिलक जो है वो मैं दिखा देता हूँ, तिलक मैं पेंट करके करूँगा, लेकिन मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रहा तो इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। तो तीन ऐसे लाइन खींचना है एंड दो ऐसे लाइंस को पकड़ के ऐसे आपको एक तिलक बनाना है, ये आपको वाइट कलर से करना है। एंड आप तो कलर तो जानते ही होंगे, पूरा का पूरा शिवलिंग जो है पूरा का पूरा ब्लैक होगा एंड सिर्फ तिलक जो है वो वाइट कलर में होगा, ठीक है। एंड मैंने तिलक हटा लिया है, मैं एक टीका कर रहा हूँ, ये टीका मुझे काम का लगेगा तो मैं इसलिए इसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे बना लीजिए, बहुत अच्छा होगा।